यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू में छात्र छात्राओं पर हुए हमले के लिए कांग्रेस और वामपंथी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सत्ता के लिए व्याकुल हैं, लेकिन हिंसा से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी। उन्हें जनता के बीच जाना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि जेएनयू दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए जामिया मिलिया और बाहर के गुंडे आए थे। वामपंथी संगठनों के समर्थन में गुंडों को बुलाकर परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला कराया गया है। सोनभद्र के सदर ब्लॉक छपका क्षेत्र में एक सफाई कर्मी की सड़क हादसे में घायल होने के बाद मौत हो गई। आपको बता दें कि सफाई कर्मी ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल लूड़ी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। और रास्ते में सफाई कर्मी की उस दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले गए। वही घटना से गुस्साए यूपी पंचायती ग्रामीण राज्य सफाईकर्मी संघ के कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मृतक आश्रित कोटे से मृतक के परिवार को नौकरी देने की मांग की है। क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी। अच्छा। पूरा मामला ये है, जो पंचायती राज विभाग की विडंबना है कि जैसे सफाई कर्मचारी जो हम लोग चाह रहे हैं, जैसे सफाई कर्मचारी परमेश्वर जी थे, इनकी ड्यूटी सफाई कर्मचारी की हर सेवानंद स्कूल में लगा दी गई, तो लेकिन जो ये ड्यूटी लगाई जाती है, ड्यूटी लिखित होनी चाहिए। ये लोग मौखिक रूप से ड्यूटी लगा दिए, सफाई कर्मी वहाँ चला जाए, सफाई कर्मचारी वहाँ चला जाए, एक दिन में एक जगह ड्यूटी हर सेवानंद में कर लो, फिर ब्लॉक में आकर कर लो, फिर ये कर लो। मंत्री जी का पता चला, आ रहे हैं मंत्री जी के स्वच्छता कार्यक्रम की ड्यूटी तो सफाई कर्मी की है, लेकिन जब मंत्री जी का आगमन हुआ तो सफाई कर्मी को भगा दिया जाता, छुट्टी नहीं दिया जाता, फिर पुनः सफाई कर्मचारी अपने गाँव ड्यूटी पे जाता है। तो ये बड़ी विडंबना है पंचायती राज विभाग की। हम जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित थे, हमने उनसे कहा कि आज लिखित रूप से एक आर्डर होगा, एक लिखित रूप से एक आर्डर किया जाएगा कि सफाई कर्मचारियों की अब ड्यूटी लिखित रूप से कहीं भी ड्यूटी लगाई जाएगी, मतलब नियमानुसार ड्यूटी लगाई जाए, नहीं कि कहीं भी लगा दी जाए, नियमानुसार ड्यूटी लगाई जाए और वो भी लिखित ड्यूटी लगाई जाए। बिना लिखित ड्यूटी अगर न लगे तो मैं सफाई कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि कोई सफाई कर्मचारी न जाए और इस संबंध में अवगत भी करावे और खुल के करा। देखिए, मैं एक चीज बाद में मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि समस्याएं आपकी हैं, लड़ना आपको पड़ेगा, कोई पड़ोस से, कोई झारखंड और बिहार तो पाकिस्तान से कोई लड़ने नहीं आएगा, समस्याएं हमारी हैं। आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, आप पता चला साहब का आर्डर हुआ चला गया, ठीक है, साहब भी कानून के दायरे में, हम आप भी कानून के दायरे में हैं। और बाकी चीजें हमारे जिला अध्यक्ष जी रवि प्रकाश मौर्य जी अवगत कराएंगे क्या क्या चीजें हैं, जिसके लिए डीपीआरओ ने कहा कि अभी उसको एक सप्ताह के अंदर। सोनभद्र के चौपन रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि गर्भवती महिला अपने पति के साथ त्रिवेणी एक्सप्रेस से गढ़वा जा रही थी। इसी बीच चौपन स्टेशन पर पहुंचते ही महिला की तबीयत बिगड़ गई और महिला को ट्रेन में से उतरना पड़ा। इस दौरान महिला ने चौपन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बच्चे को जन्म दिया। वहीं रेलवे के कर्मचारी और अधिकारियों ने एम्बुलेंस की मदद से महिला और नवजात बच्चे को चौपन सीएससी में भर्ती कराया।